नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जल संसाधन, मछुआ कल्याणक व मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट दो दिवसीय दौरे पर पहली बार बुधवार को ग्वालियर आए हैं। सुबह 9 बजे उन्हें आना था, लेकिन वह 3 घंटे देरी से पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर की। साथ ही वह बोले कि ग्वालियर सिंधिया जी का शहर है, यह विकास और प्रगति का मॉडल है। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। कोविड में आज जो जीरो का आंकड़ा आया है, वो इस शहर के आम लोगों को जनप्रतिनिधियों के समन्वय और प्रयास का सार्थक नतीजा है। बस अब हमें कोविड अनुकूल व्यवहार पर जोर देना है। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। कोविड में आज जो जीरो का आंकड़ा आया है, वो इस शहर के आम लोगों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय और प्रयास का सार्थक नतीजा है। बस अब हमें कोविड अनुकूल व्यवहार पर जोर देना है। प्रदेश के मुखिया ने इस कोविड काल में 18-18 घंटे जाग कर काम किया है। जल्द तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करूँगा। और एक ग्वालियर विकास, प्रगति और उन्नति का एक मॉडल है। मुझे आपके सबके सहयोग से इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व ग्वालियर देश का भी नेतृत्व करता, प्रदेश का भी करता। हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी भी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा नरेंद्र तोमर जी भी कर रहे हैं, और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, सबके नेतृत्व में बैठ कर एक नई रचना, एक नए विकास और प्रगति की क्या हम कर सकते हैं, वो सोचने के लिए, उसी के लिए समन्वय और सामंजस्य के लिए, क्योंकि अभी बड़ी चुनौती कोविड की, ये ग्वालियर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, इंदौर की नहीं, पूरे राज्य की थी। मैं आपके माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक योद्धाओं को, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कोविड में, ऑक्सीजन, MDCR और बेड। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 24 घंटे जग कर जो ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का और बेड का इंतजाम किया, आज उन्हीं के नेतृत्व में जो ग्वालियर में भी 0% हो गया ना, इसके लिए बधाई के पात्र आप लोग भी हैं। और ये हमको इसको जारी रखना है, अभी कोविड अनुकूल व्यवहार, क्योंकि अभी अनलॉक किया ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को, पर लॉक करना अभी कोविड को, ये चुनौती हमारे सामने है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरे माँ बहनों से, तरुण से, बेटियों से, कि मास्क भी जरूरी है और दूरी भी जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जो एक इस कोविड, इस महामारी, इस आपदा का, इस संकट का कोई कवच है तो वैक्सीन है। वैक्सीन है और हमारे टेस्ट भी लगभग जैसे इंदौर में 10,000 लोग पैदे हो रहे हैं, यहाँ भी लगभग 4 या 5,000 के बीच में टेस्टिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। मैं इस कोविड में जो कंट्रोल किया है, इस चुनौती में, इस आपदा में, इस संकट में, जो ग्वालियर के भाई और बहनों ने एक समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि जब तक आम नागरिक का सहयोग नहीं मिलता, इस आपदा में, संकट, इस विपत्ति में, हम इसमें सफलता नहीं पा सकते। वैक्सीन की काफी कमी देखी जा रही है।